हेलो मोटो। हेलो दोस्तों, मोटोरोला उनके हर प्राइस रेंज के हिसाब से एक किलर स्मार्टफोन तो लॉन्च करते ही हैं, और अभी रिसेंटली उन्होंने और एक किलर स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जो आपको अंडर 8000 देखने को मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं बातें कर रहा हूँ मोटो E13 के बारे में, और ये जो स्मार्टफोन है ये आपको अराउंड 8000 देखने को मिल जाएगा, और अगर आप इसमें ऑफर्स वगैरह लगाते हो तो ये अप्रॉक्स 6500 समथिंग देखने को मिल जाएगा। और उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये आपको जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और जो स्पेक्स प्रोवाइड करता है, आई डोंट थिंक किसी और स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाएगा, वो भी अंडर 10,000। एंड इवन ये जो स्मार्टफोन है ये आपको अंडर 10,000 में देखने को नहीं मिलता, ये आपको अंडर 8,000 देखने को मिल जाता है, एंड विद ऑफर्स अंडर 7,000। एंड उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये जो मोटोरोला ने जो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया है, दैट इज टोटली अ बीस्ट स्मार्टफोन। सो बातें करते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में। सो हेलो दोस्तों, नमस्कार, इट्स मी योर फ्रेंड कमलेश एंड यू आर वॉचिंग टेक मी मोर। फर्स्ट टाइम इस बजट सीरीज में मैंने एक ऐसा स्मार्टफोन देखा है जिसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। सो बिना कुछ टाइम वेस्ट के बातें करते हैं इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में। और अगर इसके बॉक्स कंटेंट के बारे में बात करें, आपको इसमें हर वो चीज देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली आपको चाहिए, क्योंकि इसमें आपको इसका मेन फोन देखने को मिल जाएगा, इसका सिम इंजेक्टर टूल देखने को मिल जाएगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाएंगे, 10 वाट का चार्जर देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको USB Type-A to C केबल देखने को मिल जाएगा, और इसका केस देखने को मिल जाएगा। मतलब आज 10,000 के अंदर आपको USB टाइप सी केबल देखने को नहीं मिलता, बट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें आपको केस भी देखने को मिल जाता है। डिजाइन के बारे में बात करने से पहले मैं बस ये बोलना चाहता हूं, वाओ, मतलब इसका तो डिजाइन है, मतलब लिटरल इस प्राइस रेंज के हिसाब से मतलब फुल और मतलब माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि इसमें आपको समहाउ साइनियन डीप डिजाइन देखने को मिल जाता है। मतलब कहीं से भी लगता नहीं कि ये अंडर 8000 का स्मार्टफोन है, मतलब लगता है कि 15-20,000 का स्मार्टफोन है। और अगर इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, आपको इसमें बोथ फ्रेम्स एंड बैक फुल प्लास्टिक मेड देखने को मिल जाएगा, और अगर इसके पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करें, आपको इसमें हर पोर्ट्स एंड बटन्स भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो स्मार्टफोन का जो वेट आता है वो अप्रॉक्स 181 ग्राम्स के करीब आता है। डिस्प्ले इस प्राइस रेंज के हिसाब से आपको 90Hz या 120Hz का तो देखने को नहीं मिलेगा, नॉर्मल से 60Hz का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें, आपको इसमें 6.5 इंचेस का HD+ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जो बेसिकली एक नॉर्मल 60Hz का डिस्प्ले है, और ये एक वाटर ड्रॉप डिस्प्ले है। मतलब हाँ, इस प्राइस रेंज के हिसाब से इसका जो डिस्प्ले आता है वो सही में अच्छा है। स्पेसिफिकेशंस, फाइनली स्पेक्स के बारे में बात करने का टाइम आ गया है, और इसमें आपको यूनिसॉक T606 ये 12nm का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। हाँ दोस्तों, और तो ये 12nm का प्रोसेसर है, बट इस प्राइस रेंज के हिसाब से ये जो प्रोसेसर है सही में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इसका जो अंतुतु स्कोर आता है वो अप्रॉक्स आपको 2 लाख के करीब देखने को मिल जाएगा। मतलब आपको ये 8000 के अंदर ये P35, G35, P27 इस टाइप का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, बट इसमें आपको एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, सो डैट कि आपको जो गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है वो समय बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। मतलब आप लो टू मीडियम सेटिंग इजीली गेम्स खेल सकते हो, वो फुल ऑन स्मूथली रन करेगा। और अगर इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करें, इसका जो बेस वेरिएंट आता है वो आता है 2GB RAM विद 64GB स्टोरेज के साथ, और इसका जो टॉप वेरिएंट आता है वो आता है 4GB RAM विद 64GB स्टोरेज के साथ। और अगर इसके रैम टाइप के बारे में बात करें, आपको इसमें LPDDR4X रैम टाइप देखने को मिल जाता है। और अगर इसके स्टोरेज टाइप के बारे में बात करें, दोस्तों ये वीडियो बनाते टाइम मुझे इसके स्टोरेज टाइप के बारे में तो पता नहीं, बट हां इसका स्टोरेज टाइप जो भी होगा मैं लिख दूंगा। और अगर इसके प्राइसिंग के बारे में बात करें, इसका जो बेस वेरिएंट है मतलब 2GB RAM विद 64GB स्टोरेज के साथ वो आपको 6999 देखने को मिल जाता है, और इसका जो टॉप वेरिएंट है मतलब 4GB RAM विद 64GB स्टोरेज के साथ वो आपको 7999 देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेसिकली 4GB RAM वाला वेरिएंट ही खरीदें, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको ओनली 1000 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और अगर आप 1000 एक्स्ट्रा देते हो तो आपको 2GB एक्स्ट्रा RAM देखने को मिल जाएगा। सो बेसिकली वो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है मतलब उसके हिसाब से। और अगर आप इसमें ऑफर्स वगैरह सब कुछ लगाते हो तो ये आपको अप्रॉक्स 6500 के करीब देखने को मिल जाएगा, एंड विद दैट प्राइसेंस इट्स रियली अ किलर स्मार्टफोन। कैमरास, अब बात करते हैं स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, और इस प्राइसेंस के हिसाब से आपको एक फ्लैगशिप कैमरा सेटअप तो देखने को नहीं मिलेगा, बट इसका जो कैमरा सेटअप है वो सही में बहुत अच्छा है। मतलब आपको इसके रियर में एक सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली आता है 13 मेगापिक्सल का, और इसके फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। और अगर इसके वीडियो क्वालिटी के बारे में बात करें, आप इसके रियर कैमरा से मतलब वो 13 मेगापिक्सल के कैमरा से आप फुल HD वीडियो विद 30fps तक निकाल सकते हो, और इसके जो पिक्चर क्वालिटी आता है हाँ इस प्रेजेंस के हिसाब से वो सही में बहुत अच्छा है। बैटरी, अब बातें करते हैं स्मार्टफोन के बैटरी बैकअप के बारे में, और इसमें आपको 5000mAh का बैटरी देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली 10W चार्जर के साथ आता है। कनेक्टिविटी, ये जैसे कि 4G स्मार्टफोन है तो आपको इसमें डुअल 4G वोल्टी देखने को मिल जाएगा, डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाएगा, वाईफाई 5 देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 भी देखने को मिल जाएगा,
एंड इवन आपको इसमें IP25 का सर्टिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। और अगर इसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करें, ये स्मार्टफोन बेस्ड एंड्रॉइड 13 गो के ऊपर, और मोटोरोला बोला है इसमें आपको 2 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिलने वाला है। और अगर इसके सेंसर्स के बारे में बात करें, आपको इसमें हर सेंसर्स तो देखने को नहीं मिलते, मतलब आपको इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को नहीं मिलता, बस उसको छोड़ के बाकी सब देखने को मिल जाएगा विद फेस अनलॉक। मल्टीमीडिया इस प्रेजेंट के हिसाब से आपको जो एक्सपीरियंस मिलने वाला है वो सही में अच्छा मिलने वाला है। और इसके जो स्पीकर है आपको इसमें मोनो स्पीकर देखने को मिल जाएंगे, बट वो डॉल्बी एटमोस को सपोर्ट करते हैं, तो आपको जो स्पीकर क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी होने वाला है वो सही में इस प्रेजेंट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट होने वाला है। कंक्लूजन टाइम। नाउ दोस्तों, इट्स टाइम फॉर माय ओपिनियन अबाउट दिस मोटोरोला E13 स्मार्टफोन। मेरे हिसाब से जो स्मार्टफोन है जिस प्रेजेंस के साथ आता है, इट इज द वन ऑफ द बेस्ट किलर स्मार्टफोन एवर, मतलब इस प्रेजेंस के हिसाब से, क्योंकि आपको इसमें एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, एक अमेजिंग डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो बेसिकली एक IPS LCD डिस्प्ले है, क्योंकि इस प्रेजेंस के हिसाब से आपको बहुत सारे स्मार्टफोन में TFT डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, बट इसमें आपको एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको डॉल्बी एटमोस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, एक अमेजिंग कैमरा सेटअप भी देखने को मिल जाएगा, मतलब फुल ऑनिंग अमेजिंग स्मार्टफोन है। और सबसे मस्त चीज, इसका प्राइस भी सही में बहुत ही अमेजिंग है। और अगर आप इसमें ऑफर्स लगाते हो तो ये आपको अंडर 7000 देखने को मिल जाएगा, एंड विद दैट प्राइस रेंज इट इज अ रियली फैंटास्टिक स्मार्टफोन। और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, और अगर आप इंटरेस्टेड हो जस्ट टैप ऑन द लिंक एंड चेक इट आउट। और यही था ऑल अबाउट दिस स्मार्टफोन। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी जरूर कर देना। सो टुडेस वीडियो इज एंडिंग अप, अगले वीडियो आने तक डू that makes you awesome, and take care.